अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी पिक्चर पर इस तरह की एडिटिंग काइन मास्टर के ज़रिए कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर से काइन मास्टर ऐप इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन बैकग्राउंड का मिल रहा है। यहाँ पर आपको अपनी मर्ज़ी से आपकी चॉइस का जो बैकग्राउंड है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपने लेयर के ऑप्शन में जाना है। वहाँ से लेयर के अंदर मीडिया का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और वो पिक्चर इंपोर्ट कर लेनी है जिसके ऊपर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, और उस पिक्चर को आप अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इस पिक्चर को दोस्तों हमने डुप्लीकेट कर लेना है। अब हमारे पास इस पिक्चर की दो लेयर आ चुकी हैं। तो दोस्तों, आपने एक लेयर के ऊपर क्लिक करना है और नीचे से आपको तीसरे नंबर पर एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसमें सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको एक SUE का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप आगे पीछे इसको करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर शो होंगे, तो जो कलर आपको अच्छा लगे वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास पिक्चर की दो लेयर हैं और जो फ्रंट वाली लेयर है, ऊपर लेयर है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने ओवर ऑल एनिमेशन जो है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने फ्लिकर के ऊपर क्लिक कर देना है। जो नीचे वाली लेयर है उसमें आपने नन को क्लिक करना है। उसके बाद जो है दोस्तों, आप प्ले करेंगे तो आपको ये दोनों इफ़ेक्ट्स जो हैं ऊपर वाली लेयर का और नीचे वाली लेयर का इस तरह शो होंगे। इसके बाद दोस्तों आपने ओवरले के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ से आपने जो है ग्लोइंग स्टार का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें से आपने जो आपको स्टार्स पसंद आए वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। ओवरले के अंदर आपको अगर दोस्तों ये स्टार ना मिलें तो आपने काइन मास्टर ऐसे स्टोर में जाना है, वहाँ से इन ग्लोइंग स्टार को जो है ना आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इनको आपने इस तरह ड्रैग करके बड़ा कर लेना है और ओके कर देना है। अगेन दोस्तों, आपने ओवरले में मीडिया के ऑप्शन में जाना है और वहाँ से आपने एक बैकग्राउंड इमेज लेना है जो कि आपकी चॉइस का हो सकता है, और इस तरह के इमेजेस जो हैं नेट पे मौजूद हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक हार्ड ले रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपने जाना है, नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आपने हार्ड के ऊपर क्लिक किया होगा तो यहाँ पर साइड पे आपको नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा और इसके अंदर आपने स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है और इसकी जो ओपसिटी है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अभी ये ब्लू कलर का हार्ट है, इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है कि हार्ड के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन है इसके ऊपर एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। एडजस्टमेंट के ऑप्शन में दोस्तों आपने स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे लास्ट वाला SUE वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से डिफरेंट कलर जो है ना उस लेयर के शो होंगे जो कि आपने सेलेक्ट की होगी। यहाँ पर हार्ड वाली लेयर सेलेक्ट की हुई थी तो इसमें हार्ड के डिफरेंट कलर जो हैं शो हो रहे हैं। लास्ट स्टेप में दोस्तों आपने ऑडियो में जाना है, वहाँ से आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट कर लेना है और जितनी लेंथ बैकग्राउंड म्यूज़िक की होगी इतनी तमाम लेयर्स की जो लेंथ है वो आपने एडजस्ट कर लेनी है। तो इस तरह दोस्तों आज की वीडियो जो है हमारी कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़। छोटा सा छोटी सी आशा।